Hi, welcome to channel. इस में, करेंगे से कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको फाइंड करना है चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन. तो यहां पर आपको फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर्स, ओके तो क्या करना होगा इसको हम करना पड़ेगा पहले फैक्ट्राइजेशन और फैक्टराइज करने के बाद देखना पड़ेगा कि इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनका पेयर बन रहा है कि नहीं यदि पेयर बन जाएगा तो हम कहेंगे कि दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर राइट इसमें हमारी यही स्ट्रेटजी रहेगी चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट तो हम करेंगे अभी फोर हंड्रेड एट्टी फोर का फैक्टराइजेशन ठीक है तो क्या करते हैं देखिए यहां पर एंड में क्या है फोर है ना यदि इवन नंबर आता है यूनिट्स प्लेस पर तो ये जो है समझ आइए कि टू से कट जाएगा तो हम टू से पे कैंसिल आउट करते हैं तो टू टू जाोर टू फोर जाट एंड टू टू जाोर फिर टू से ले जाएंगे टू वन जा जो टू टू जा टू जाोर एंड टू वन जो टू अब यहां पे देखिए टू से नहीं कटेगा ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये किससे कटेगा तो ये आपको पता है इलेवन का स्क्वायर होता है इलेवन वन जाए इलेवन इलेवन जन ट्वेंटी वन होता है और इलेवन का जो तरीका होता है चेक करने का वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आड नंबर आर्ड प्लेसेस को क्या करिए ऐड करके और इवन प्लस को माइनस करिए जैसे कि वन और थर्ड फर्स्ट और थर्ड प्लेस पर जो नंबर है उनको ऐड कर लीजिए टू मिलेगा और जो इवन नंबर पर है मतलब कि सेकंड प्लेस पर टू है उसको माइनस कर लीजिए टू से मिलेगा जीरो इसका मतलब कि इलेवन से कट जाएगा ये और इलेवन से इलेवन बार में कटेगा आपको पता ही है खैर तो इलेवन बन जाए इलेवन अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर पेयर बन रहा है तो टू टू का एक पेयर बन रहा है इलेवन इलेवन का एक पेयर बन जा रहा है मतलब कि इसके फैक्टर्स जो हैं पेयर में हैं इसलिए जो फर्स्ट वाला क्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा देते हैं करेक्ट का इंसान यहाँ पे मतलब बता रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ओके हो गया तो अब जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर यहाँ पर 625 अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा देखिए ध्यान से 5 इंड में क्या है 5 है 5 बता रहा है कि ये 5 से कट जाएगा ठीक है यदि यूनिट्स प्लेस पर 5 हो या 0 हो तो वो नंबर जो है 5 से कट जाती है तो 5 से ले जाएंगे यहां पर तो 505 एक बचेगा यहाँ पे वन रखेंगे 12 हो जाएगा तो फाइव टू जैट टेन एंड फाइव फाइव जैट ट्वेंटी अब ये ट्वेंटी तो आपको पताइए किसका आता है फाइव फाइव जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैक्टर्स इसके जो हैं वो पेयर में है देखिए यहां पर फाइव भी एक पेयर में यहाँ पर और यहाँ पे एक पेयर बन गया मतलब कि हमेशा यहाँ फैक्टर्स क्या मिल गए हैं पेयर में मिल गए इसका मतलब कि 625 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है दिस इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब करते हैं थर्ड ये आपका है 576 अब देखिए यहाँ पर सिक्स है सिक्स बता रहा है कि ये थ्री से ये जो है टू से कट जाएगा बिल्कुल ही क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है सिक्स तो टू से कटाते हैं टू टू जब फोर वन बचेगा सेवेंटीन हो जाएगा एंड टू एट जैसे टू एट जै क्या होता है सिक्सटीन होता है और वन सिक्सटीन टू एट जै सिक्सटीन फिर से हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर एट आ रहा है तो यहाँ पर टू से फिर से कट सकता है यहाँ पर टू एंजा टू और ये टू फोर जै एट एंड टू फोर जै एट अब ये वन फोर्टी फोर आ गया तो ये टू से कटेगा ही कटेगा टू सेवन जै फोर्टीन होता है टू टू जो फोर अब टू से कटाएंगे हम यहाँ पे तो टू थ्री जो सिक्स और वन जै हो गया और टू सिक्स जो ट्वेल्व होता है अब टू से कटाएंगे यहाँ पे एटीन आएगा और फिर आपको पता ही है ये टू से कटाएंगे तो नाइन नाएं आएगा उसके बाद थ्री से ले जाएंगे तो थ्री थ्री जा नाइन और यहाँ थ्री थ्री बन जा, जा थ्री मतलब कि अभी इसका देख लेते हैं कि इसके फैक्टर्स पेयर में है कि नहीं यहाँ पर देखिए एक पेयर बन गया यहाँ पे पेयर बन गया यहां पे बन गया यहां और यहाँ बन गया इसका मतलब कि इसके फैक्टर्स जो है पेयर्स में है देर फोर इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ये जो तरीका है ना फैक्टराइजेशन से चेक करना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेटर तरीका है ओके बस चेक करना पड़ता है कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा अब आगे चेक करते हैं फोर्थ और ये आपका है नाइन फोर्टी वन तो यहां पर ले लेते हैं फोर्थ का नाइन हंड्रेड फोर्टी वन ओके अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि किससे कटेगा ये तो आप यहां देखिए प्लेस पर क्या है One है मतलब कि तो टू से नहीं कटेगा थ्री से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा सभी नंबर्स को तो नाइन फोर कितना हो जाएगा थर्टीन थर्टीन और फोर्टीन फोर्टीन भी थ्री से नहीं कटेगा देखिए सबको यदि ऐड करेंगे तो फोर्टीन आएगा फोर्टीन थ्री से नहीं कटता है इसका मतलब थ्री से भी नहीं कटेगा और सिक्स से भी नहीं कटेगा इसका मतलब तो इसका मतलब क्या से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके यूनिट्स जीरो नहीं है ओके ठीक है, है।, okay, है कोई बात नहीं है seven से कट सकता है क्या तो सेवन से करने के लिए क्या करते हैं देखिए से चेक करने के लिए कि ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा पहले आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए इस यूनिट्स प्लेस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू से क्या मिलेगा टू हजार टू मिल जाएगा अब ये टू जो है यहां से माइनस कर लेते हैं मतलब इन दोनों नंबर्स में से टू जो है माइनस कर लेते हैं क्या मिलेगा फोर में से टू माइनस करेंगे टू मिलेगा और यहां नाइन मिल जाएगा अब यहां पर जो नाइनटी टू मिला है फिर से यहां पर यूनिट में टू से हम कर लेते हैं और मिल जाता है फोर फोर को माइनस करते हैं नाइन में से और देखते हैं कि सेवन आ रहा है या सेवन का मल्टीपल आ रहा है क्या तो बिल्कुल नहीं आएगा नाइन माइनस फोर कितना आएगा फाइव आएगा और फाइव जो है नहीं कट पाएगा मतलब सेवन से भी नहीं कट पाएगा मतलब चेक कर लिया लिए यहाँ पर तो ये जो नंबर है ये थोड़ा सा अलग तरह का लग रहा है अब यहां पर हम ठीक है कोई बात नहीं है हम इसको चेक करेंगे कि इलेवन से कटेगा नहीं कटेगा तो यहां पर चेक करते हैं इलेवन से कटेगा नहीं तो नाइन और वन कितना होता है टेन होता है टेन में से फोर माइनस करेंगे तो बिल्कुल नहीं कटेगा इलेवन से भी नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि नाइन हंड्रेड फोर्टी वन किसी बड़े नंबर का किसी बड़े नंबर का ये जो है स्क्वायर है नाइन फोर्टी वन तो हम यदि इसको कटाते हैं ओके तो हमने ये चेक कर लिया कि ये जो नाइन हंड्रेड फोर्टी वन है वो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा क्योंकि ये नाइन हंड्रेड फोर्टी वन क्या है प्राइम नंबर है हमने टू से थ्री से फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तक चेक कर लिया और ये बिल्कुल किसी भी नंबर से नहीं कट रहा और हम आप जो है इसको चेक करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये क्या है नाइन हंड्रेड फोर्टी वन से ही कटेगा मीन्स दिस इज अ प्राइम नंबर यदि कटेगा तब जाकर वन आएगा और ये मतलब कि मतलब कहने का मतलब है कि नाइन हंड्रेड फोर्टी वन जो है इज इक्वल टू होगा वन मल्टीप्लाइड बाई नाइन हंड्रेड फोर्टी वन इसके दो ही फैक्टर होंगे वन होगा और वो खुद होगा तो इसका मतलब इसके पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर तो आपका जो फोर्थ है ऑप्शन वो प्राइम नंबर मतलब सॉरी परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा अब सॉल्व करते हैं 961. 961. ये आपका है फिफ्थ वन ओके तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो नंबर है ये भी ना टू से कटेगा ना थ्री से कटेगा फोर फाइव सिक्स इलेवन से थर्टी वन से कटेगा ये यदि आप इसको ले जाते हैं थर्टी वन से तो थर्टी वन टाइम्स में जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा इन सभी के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर्स कुछ नंबर्स का थर्टी नंबर्स का थर्टी वन का पूछ दिया बताइए थर्टी वन के स्क्वायर का नंबर जो आपको पता होना चाहिए नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे इसको फैक्ट्राइज तो थर्टी वन से ले जाएंगे तो थर्टी वन आएगा थर्टी वन क्या है प्राइम नंबर है फिर थर्टी वन से ले जाएंगे वन आएगा यहां पर देखिए थर्टी वन क्या बन रहा है पेयर बन रहा है थर्टी वन का पेयर बन रहा है इसका मतलब कि कि क्या है 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 एक परफेक्ट स्क्वायर दिस करेक्ट देख लेते हैं यह आपका लास्ट वन वन ओके अब देखिए जीरो 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 आ गया इसका मतलब ये है, तो से कटेगा फाइव फाइव जाएगा बिल्कुल हो गया फिर जीरो है तो फाइव कटेगा फाइव अब ये फोर है तो टू से कटेगा टू टू जा एंड टू वन जा ठीक है देखिए यहाँ पर पेयर बन रहा है सबका यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि पेयर बन जा रहा है फाइव का बना यहाँ पर और यहाँ पर मतलब कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये भी है ओके तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे चेक करेंगे किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करिए फैक्टराइज करने के बाद देखिए कि उसके जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में आ रहे हैं कि नहीं यदि पेयर बन गया उनके फैक्टर्स का समझ जाइए कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं तो नहीं होगा और यहाँ पर एक और बात हमें समझ में आई कि यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत बड़े भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं तो उनको फैक्टराइज करना एकदम मुश्किल होगा इसीलिए उन सभी नंबर्स को याद कर लीजिए जब भी कहीं पर आते हैं आपके सामने तो उसको याद ही कर लीजिए जैसे नाइन फोर्टी वन को याद कर लीजिए कि ये एक प्राइम फैक्टर है इस क्वेश्चन में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक कर दीजिए तो शेयर करिए और डाउट तो जो भी होगा कमेंट बॉक्स आपके लिए है थैंक यू सो मच अगेन बाय